इतना काम में मसरूफ हो गया है और वो काम उसके अपने होते हैं, अपने घराने के होते हैं, अपने बच्चों के होते हैं, अपने रिश्तेदारों के होते हैं, अपने होते हैं, पूरा फोकस इंसान का अपने वजूद और अपनी फैमिली पर आकर टिक गया है, और ऐसे वक्त में दूसरों के लिए वक्त देना कोई मामूली बात नहीं है, और वो भी पूरा दिन अपना देना, ये तो और भी बड़ी बात है। मैं चाहूंगा कि साजिद सर की इस कुर्बानी के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं कि अपनी जात से किसी को कुछ देना। इस दुनिया में जो मसाइल चल रहे हैं, वो मसाइल की सबसे बड़ी एक अहम वजह ये नजर आती है कि हर इंसान चाह रहा है कि मेरा मफाद क्या है, मेरा फायदा क्या है, मुझे क्या मिला। अगर हम ये सोचे कि मुझे क्या मिला, तो ये एक निगेटिव ख्याल है, एक मनफी ख्याल है। अगर हम ये सोचे कि मैंने मेरे मुल्क को क्या दिया, मैंने अपने देश को क्या दिया, मैंने अपने स्कूल को क्या दिया, मैंने अपनी गली को क्या दिया, मैंने अपने रिश्तेदारों को क्या दिया, मैंने अपने समाज को क्या दिया, अगर हम ये सोचेंगे तो आपके जहन में भी यकीनी तौर पर यह ख्याल आएगा कि हमें अपने लिए, अपने घर के लिए, रिश्तेदारों के लिए, गली के लिए, समाज के लिए, मुआशरे के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और वो कुछ ना कुछ क्या कर सकते हैं आप इस उम्र में? अरे रास्ते से चलता हुआ पत्थर आप हटा दीजिए, ये भी एक नेकी का काम है। आप पौधे लगा सकते हैं, पौधे लगा दीजिए। एक बच्चा जो आपका दोस्त है उसको नहीं आ रहा है, वो पढ़ाई में कमजोर है, एक सहेली आपकी पढ़ाई में कमजोर है और आप पढ़ाई में अच्छे हैं, अरे आप ये कर सकते हैं कि उसको आप पढ़ना लिखना सिखा दो, उसको आप तैयार करा दो, उसको भी अपनी दौड़ में शामिल कर दो। ये काम बच्चे कर सकते हैं, इसीलिए स्कूलों में ये एक काम भी किया जाता है कि एक बच्चे के साथ, एक अच्छे बच्चे के साथ एक कमजोर बच्चे को जोड़ दिया जाता है। और अगर आप आज खुद अपने दिल से काम करें कि मैं अज़्म करता हूँ या मैं अज़्म करती हूँ कि मैं अपने एक साथी को या मैं अपनी एक सहेली को जो कि तालीमी तौर पर कमज़ोर है, तो मैं उसको तालीमी तौर पर बहुत आगे ले जाने की कोशिश करूँगी, उसको तैयार करूँगी। ये आपके लिए जो काम है, ये आपके लिए काम अजर का बाइस है, बल्कि सवाब जारिया है। इसलिए प्यारे बच्चों, ये मत सोचो कि आप बच्चे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी सर ने आपको इतना प्यारी चीज़ें समझाई, इतना प्यारी बातें सर ने आपको बताई है, उस पर अमल कीजिए। लड़कों की बातें सामने आ रही हैं, हर जगह लड़कों का यही है, और मुस्लिम माशरे की पिछाड़ी और कमज़ोरी की वजह सबसे बड़ी यही है कि लड़कियां तो आगे बढ़ रही हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़के क्या करते हैं, सिर्फ स्कूल आने को सब कुछ समझ लेते हैं। स्कूल आना सब कुछ नहीं है, स्कूल आना एक बात है और स्कूल से घर जाकर पढ़ाई करना दूसरी बात है।